अस्सलाम वालेकुम आज हम बात करेंगे एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेल सब शेल एंड ऑर्बिटल याद रखिएगा कि शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी है एक शेल को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहा जा सकता है और फिर जहन में रखना है आपने कि शेल बेसिकली पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस ऑफ़ एन एटम है इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है उस पाथ को हम लोग उसका शेल ऑर्बिट या इनर्जी लेवल कहते हैं जबकि सबशेल जो होता है वो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल होता है यानी एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है वो जो उसकी मूवमेंट होती है वो क्या कहलाती है सबशेल कहलाती है ऑर्बिटल बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और प्लस ऑर्बिटल जो है इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं और वो मैक्सिमम कितने परसेंट होते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट नहीं होते वो भी क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बताई जा सकती ये इन तीनों की डिफिनीशन है दूसरा पॉइंट शेल को एक्सप्लेन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बोहर ने अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाया था तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बोहर ने ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था एम वी आर इज दिकल्ड एन एच ओवर टू पाई में एन जो था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जबकि सबशेल को एल एक्सप्लेन करता है यानी एजी म्यूथल क्वांटम नंबर और एजी म्यूथल क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट समरफेल्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था और ऑर्बिटल को एक्सप्लेन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ज़रिए किया जाता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो जी मैन ने दिया था तो ये आपके पास कौन कौन सा क्वांटम नंबर किस किस को एक्सप्लेन करता है वो हमने बता दिया अब शेल को किन लेटर से शो किया जाता है के एल एम एन और एफ एस सी लेवल तक तो यही बताया जाता है कि के एल एम एन होते हैं इससे आगे भी चलते हैं ओ पी क्यू आर ये चलता रहता है आगे इसी तरह जो सबशेल्स हैं उनको एस पी डी एफ इसके बाद जी एच ये आगे चलता रहता है एस आप जानते हैं शार्प होता है पी प्रिंसिपल डी डिफ्यूज और एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं जिनको हम स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं जबकि ऑर्बिटल जो होता है एस के केस में ये सबशेल भी है और ऑर्बिटल भी है क्योंकि एस सिमेट्रिकल होता है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है जबकि पी जो है इसके तीन ऑर्बिटल्स हो सकते हैं एक्स एक्सिस के अलाग इसकी ओरिएंटेशन पी एक्स कहलाती है वाई एक्सिस के अलाग पी वाई कहलाती है और जेड एक्सिस के अलांग क्या कहलाती है पी जी कहलाती है इसी तरह डी के फाइव डी जनरेट ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाइव डीवाइजेड डी जेड एक्स डी एक्स केयर वाइस और डीजीज के और एफ के सेवन डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं डी जनरेट मीन द सेम एनर्जी एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपको फार्मूला टू एन स्केयर बताता है k के लिए n की वैल्यू वन होती है l के लिए यहाँ पे n की वैल्यू टू पुट करेंगे m के लिए n की वैल्यू थ्री पुट करेंगे और n के लिए यहाँ पे n की वैल्यू फोर पुट करेंगे जब आप एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि के में मैक्सिमम मैक्सीम दोल में मैक्सिमम आठ एम में मैक्सिमम अठारह और एन में मैक्सिमम थर्टी टू इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जबकि ये टू इंटू टूल्व प्लस वन ये फार्मूला हमें बताता है कि एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इस फार्मूला के मुताबिक एस में मैक्सिमम टू पी में सिक्स डी में एफ डी में टेन और एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं याद रखिएगा एस के लिए एल की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे आप पी के लिए एल की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करेंगे डी के लिए टू पुट करेंगे और एफ़ के लिए थ्री पुट करेंगे आप जबकि पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रह सकता है वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लाक स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लाक स्पिन करेगा उसके बाद ये इनकी हम अपनी कन्वीनियंस के लिए शेल्स को इस तरह सर्कल बना के शो कर देते हैं हालांकि शेल इस तरह होते नहीं है लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसी तरह शो करते हैं तो ये के एल इसी तरह के एम एन चलता जाएगा और आपको पता होना चाहिए कि हर एटम में जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं इन्फिनिटी होते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स एस सब शेल सफेरिकल होता है पी डम्बेल शेप्ड होता है जिसके ये दो लोब्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे इसी तरह जो डी है वो सॉसेज एस ए यू एस ए जी ई या इसको डबल डंबल भी कहा जाता है तो ये टेट्रा लोब्ड होता है सिवाय डी जी स् के वो बाइलोब्ड होता है अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देखेंगे शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी तरह जो ऑर्बिटल्स हैं उनको आप एक्सिस से डोनेट करते हैं पी एक्स पी वाई पी जी इसी तरह डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स वगैरह तो इनके नीचे मस्ट है कि आपको कोई ना कोई एक्सेस दिखा नजर आएगा सिवाय एस के क्योंकि एस सबशेल भी है और वो ऑर्बिटल भी है तो ये डिफरेंस होता है शेल सबशेल और ऑर्बिटल में अगर आपको क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो देखिएगा आपको क्वांटम नंबर का बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसी तरह अगर आपको शेप्स ऑफ सबशेल के बारे में नहीं पता तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा आप उसको देखिएगा मेरे लेक्चर को आपको शेप्स ऑफ सबशेल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो आज का यही हमारा टॉपिक था अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़